यूपी के रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। शादी समारोह में शामिल होने के बाद ऑटो से घर जा रहा परिवार को ट्रक ने मार जोरदार टक्कर। ट्रक की टक्कर से ऑटो के उड़े पर खचे एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। वही महिलाओं बच्चों समेत 7 लोग हुए घायल। दो को गंभीर हालत में एम्स रायबरेली किया गया रेफर। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट पुल के पास का है, जहां कुनाल निवासी जगतपुर भिजकौरा थाना लालगंज अपनी पत्नी बहन बच्चों रिश्तेदारों को लेकर शहर के मालिकमऊ गांव आया हुआ था। शादी समारोह में शामिल होने के बाद सभी लोग ऑटो से अपने गांव वापस जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के पर खच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में फंसे सभी 7 लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां कुणाल पुत्र नन्ही उम्र 35 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें एम्स रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। वो घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार तक चालक की तलाश शुरू कर दी। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, यूएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। ये हमारे पास घायल अवस्था में 6 लोग आए हैं। ये राजघाट के पास बताया जा रहा है कि कोई ऑटो और डीसी में टक्कर हो गई है, जिसमें 6 लोग गंभीर अवस्था में घायल हो गए तथा एक की जिसमें मृत्यु हो गई है। अभी 6 लोगों को भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है।